इस सीरीज का नाम है विलो 2022। कहानी की शुरुआत एक ऐसी दौर से होती है जब पूरी दुनिया में काली ताकतों का राज होने वाला था, पर तभी एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम एलोरा था। उसके बारे में ये पेशनगोई की गई कि बड़ी होकर ये बच्ची पूरी दुनिया को बचाएगी, लेकिन जब ये बात काली ताकतों की गॉडेस इन्हीं देवी को पता चली तो उसने एलोरा को मारने के लिए अपनी बहुत बड़ी काली फौज उसके पीछे लगा दी, जिसके बाद एक बौने जादूगर और एक चोर ने एलोरा की जान बचाई। फिर हर खतरे से बचाने के लिए उन्होंने एलोरा की पहचान बदल दी, यहाँ तक कि खुद एलोरा से भी आखिर कौन है, जिसके बाद हम एक प्रिंसेस राजकुमारी किट को देखते हैं जो अपनी दोस्त के साथ लड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी। फिर वो कहती है कि हमारे इस महल के बाहर की दुनिया कितनी अलग होगी, और फिर तभी यहाँ कुछ सिपाही आकर राजकुमारी किट को कहते हैं कि शाम को होने वाली पार्टी में आपका शामिल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपकी माँ रानी का हुक्म है, तो आप लाजमी आ जाइएगा। फिर राजकुमारी किट के भाई प्रिंस को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्त के साथ था, वो उसे पसंद करता था तो साथ जीने मरने की कसमी खा रहा था, और उसकी ये दोस्त उनके ही महल में खाना बनाने का काम किया करती थी। तभी एक सिपाही यहाँ भी आता है और प्रिंस को भी शाम होने वाली पार्टी में आने के लिए कह रहा था। शाम को सभी तैयार होकर पार्टी में आ गए। सभी पार्टी में एंजॉय कर ही रही थी कि यहाँ रानी ये ऐलान करती है कि मुबारक हो, आज हमें पूरे 200 साल हो गए हैं दूसरे शहर की जालिम रानी के जुल्मों से आजाद हुए। तभी से हमारे और दूसरे शहर के लोगों के बीच अमन सुकून है, और दूसरे शहर वाले वो लोग हमारे दोस्त हैं, तो इसी खुशी में अपनी बेटी किट की शादी दूसरे शहर के राजा ग्रेटन से करने वाली हूँ, जिसका फायदा ये होगा कि हम दोनों शहर मिलकर आने वाली हर मुसीबत का सामना कर लेंगे, जो हमें तब तक करना पड़ेगा जब तक कि सातों दुनियाओं की रानी एलोरा नहीं आ जाती। किट की मोम रानी जो उस चोर की बीवी है जिसने बोने जादूगर के साथ मिलकर एलोरा की जान बचाई थी। इसी के साथ रानी को अजीब सी आवाज आई तो वो सीधा जेल में आकर एक कैदी से मिलती है जो उनके चोर हस्बैंड का दोस्त भी था। वो कैदी रानी को कहता है कि आपकी बेटी इस शादी से खुश नहीं है। रानी जवाब देती है, मैं ऐसा अपने लोगों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि जब तक एलोरा नहीं आ जाती दोनों शहरों को एक होकर रहना है। किट सच में इस शादी से खुश नहीं थी, इसीलिए बेस बदलकर वो अपनी दोस्त के पास आती है और उसे बता रही थी कि मैं ये शादी करना नहीं चाहती, क्योंकि राजकुमार ग्रीडन मुझे पसंद नहीं है, मैं महल छोड़कर भाग रही हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। पर उसकी दोस्त ऐसा करने से मना कर देती है कि नहीं, मैं अपनी रानी को धोखा नहीं दे सकती, पर क्योंकि किट उसकी दोस्त थी तो आखिर वो मान ही गई। महल के बाहर अजीब तरह के मॉन्स्टर्स आ गए थे, जिनमें से एक जैसे ही फूंक मारता है अचानक पूरे महल में कोहरा छा जाता है। गार्ड्स ये देखकर परेशान हो गए कि ये अचानक क्या हो गया, एकदम से कोहरा कहाँ से आ गया। वो ये सोच रहे थे कि सभी मॉन्स्टर्स महल पर एकदम हमला बोल देते हैं। किट और उसकी दोस्त भी तलवार लेकर बाहर आई, इन मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करने लगी, पर कोहरा होने की वजह से न वो मॉन्स्टर्स को और न ही मॉन्स्टर्स उन्हें ठीक से देख पा रहे थे। तलवार वो चलाते ही रहे थे, लग कहीं रही थी। हमले की खबर जब रानी को हुई तो उन्होंने कैदी को आजाद कर दिया, ये कहते हुए कि अब मेरे खून को तुम बचाओगे, ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। जो सुनकर कैदी अपना हथियार लेता है और मॉन्स्टर्स का सामना करने के लिए चला जाता है। एक मॉन्स्टर अपने रॉड पर काली ताकत का जादू करके घुमाता है और उस रॉड से रानी की सबसे बहादुर सिपाही पर हमला कर देता है, जिससे वो काफी जख्मी हो गया। किट का भाई यानी प्रिंस अपने दोस्त को शादी के लिए पूछ रहा था, पर जैसे ही उसे हमले का पता चला तो वो भी अलर्ट हो गया, फौरन अपना हथियार लेकर मॉन्स्टर्स को मारने के लिए चला जाता है। महल के सभी लोग मॉन्स्टर्स का काफी अच्छे से सामना कर रहे थे, तलवार चला चला कर उन्हें मारते जा रहे थे, लेकिन ये मॉन्स्टर्स काफी खतरनाक खूंखार थे, वो भी तलवारें मार मार कर इन्हें काटते जा रहे थे। और फिर कैदी अपनी तेज धार तलवार से एक एक झटके में मॉन्स्टर के लीडर का बाजू ही काट देता है। उसका ये कहना ही था कि यहाँ एक उड़ती हुई मॉन्स्टर आई और प्रिंस को अगवा करके उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। प्रिंस के अगवा होने की वजह से रानी समेत सभी लोग काफी परेशान हो गए। अपने बेटे को बचाने के लिए रानी किट के साथ अपने बहुत सारे सिपाहियों को भेजती है, क्योंकि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। साथ ही वो कैदी को कह रही थी कि तुम भी, क्योंकि मेल की बाई सारे सरहदों को जानती हो, तो तुम भी इनके साथ जाओ, बदले में मैं तुम्हारे सारे गुनाह जुर्म माफ कर दूंगी। कैदी मान गया, साथ में पूछता है कि वो उड़ने वाली मॉन्स्टर प्रिंस को अगवा करके ले गई है तो हम उन्हें कैसे ढूंढेंगे। रानी जवाब देती है कि उसकी फिक्र मत करो, इस सब में तुम्हारी मदद एक बोना जादूगर करेगा, वो नदी पार रहता है, तुम फौरन वहाँ जाओ, वो तुम लोगों का इंतजार कर रहा होगा, क्योंकि ये सब बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जैसा उसने कहा था। जाने से पहले रानी किट के सामने एक काफी बड़ा राज खोलती है, बताती है कि जालिम रानी मेरी मॉम थी, तुम, मैं और तुम्हारा भाई क्योंकि उनकी फैमिली का हिस्सा है तो हमारी रगों में उनका खून दौड़ रहा है, वो हमारे खून और एलोरा के खून को इस्तेमाल करके दोबारा से जिंदा होना चाहती है और दुनिया पर राज करना चाहती है, क्योंकि उनकी आत्मा भटक रही है उस बोने जादूगर और मैंने ही अपनी मॉम को मारा था, जिसके बाद में रानी बन गई। असल में वो पूरी ताकतों के कब्जे में इतना ज्यादा आ गई थी कि बुराई की गॉडेस ही बन गई, जिसका मतलब था कि शुरुआत वाली काली ताकतों की गॉडेस और कोई नहीं बल्कि रानी की मॉम थी। वो एलोरा को मारकर दूसरी काली दुनिया का दरवाजा खोलना चाहती थी, ताकि उस दुनिया की सारी बुरी ताकतें हमारी दुनिया में आ जाए, उनकी बुराई की एक दुनिया यहाँ बन जाए और वो यहाँ कब्जा कर सके। तो एलोरा और पूरी दुनिया को बचाने के लिए मैंने उन्हें मार डाला, और इसी के साथ वो सारे लोग महल से निकल जाते हैं।
रास्ते में उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है, तो वो छुपकर इंतजार करने लगी। और फिर तभी वो यहाँ प्रिंस की दोस्त को पकड़ लेते हैं, जो कह रही थी कि मैं भी आप लोगों के साथ जाना चाहती हूँ प्रिंस को बचाने के लिए, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। किट पूछती है, मगर तुम करोगे क्या, तुम्हें तो लड़ना भी नहीं आता। वो जवाब देती है कि हाँ मैं लड़ नहीं सकती, पर तुम लोगों के लिए सफर में खाना बना सकती हूँ। जो बात मानकर वो उसे भी अपने साथ कर लेते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग सरहद को पार करके एक अलग सी जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर अजीब तरह की हिफाजती दीवार थी जो महान जादूगरों ने इस जगह की बुरी ताकतों से हिफाजत के लिए बनाई थी। वो थोड़ा आगे ही बढ़े कि तभी कुछ अजीब लोग जिन्होंने अजीब तरह के मास्क पहने हुए थे इन लोगों पर हमला कर दी थी, जिस वजह से एक सिपाही की जान चली जाती है। उनसे बचने के लिए फिर ये लोग भागने लगे, वो कबीला भी इनके पीछे ही था। पर तभी सामने एक काफी गहरी नदी में वो लोग अपने घोड़ों समेत कूद गए, जिससे अब जाकर कबीले के लोगों से इनकी जान छूट पाती है। अब ये लोग नदी से बाहर आकर पैदल ही आगे बढ़ने लगे, नदी पार करके उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ इन्हें आने को कहा था। तभी इनके सामने एक बोना आया, किट उससे कहती है कि हमें यहाँ के सबसे महान जादूगर जो यहाँ का लीडर है उससे मिलना है। और तभी उनके सामने वो महान बोना जादूगर खुद ही आ जाता है, और यही वो जादूगर है जिसका रानी ने बताया था और इसी ने एलोरा की जान बचाई थी। किट उसे यहाँ अपने बारे में बताती है, जिस पर बोने जादूगर का कहना था कि मैं तुम्हें जानता हूँ और तुम्हारा भाई अभी जिंदा है। मॉन्स्टर्स उसे उठाकर अपने साथ ले गए क्रोन के पास ले जाने के लिए। क्रोन दरअसल जालिम जादूगरने की खास सिपाही है, उसके पास भी बहुत सारी काली ताकतें हैं, काफी खतरनाक है वो, और अब वही सारी गलत उल्टे सीधे काम करती है। जालिम जादूगरने को वापस जिंदा होने में वही मदद करेगी। वो बिखरी समंदर के पार बने काफी पुराने शहर में रहती है। कैदी फौरन बोला कि मैं पूरी दुनिया घुमा हुआ हूँ, बिखरी समंदर जैसी कोई जगह नहीं है। जादूगर बोला कि वो शहर इतना ताकतवर और खतरनाक है कि हर कोई वहाँ नहीं जा सकता। तभी जादूगर की नज़र प्रिंस की दोस्त पर गई, वो काफी चौंक गया, फौरन उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ता है और कुछ मंत्र पढ़ने लगता है, जिससे प्रिंस की दोस्त के बाजू पर एक टैटू उभर आता है, जो टैटू एलोरा की बाजू पर भी था जब वो पैदा हुई थी। तो हैरत से यह जादूगर राज खोलता है कि तुम तो जादूगरनी एलोरा हो, तुम बहुत खास हो, सरहद पार करके तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, खतरा भी हो सकता है। पर वो मना कर देती है कि आपको गलत लगा, मैं कोई जादूगरनी नहीं हूँ, आम सी लड़की हूँ, खाना बनाती हूँ। जादूगर कहने लगा कि नहीं, तुम ही हो हमारी जादूगरनी एलोरा, सातों दुनियाओं की रानी हो, इंसानियत को काली ताकतों से बचाने वाली। अब वो ऐसा क्यों कह रहा था, ये जाने के लिए हम चले जाते हैं कुछ साल पहले, जब इस जादूगर ने एलोरा को बचाया था तो उसे किट की मुम रानी को सौंप दिया था ताकि वो इसकी हिफाजत कर सके और दुनिया से उसकी पहचान छुपा कर रखी। जादूगर रानी के पास आकर कहने लगा कि अब तो मुझे एलोरा को वापस लौटा दो, क्योंकि वक्त आ गया है हम उसे ट्रेन करें। पर रानी ने मना कर दिया, ये कहते हुए कि अभी वो बच्ची है, लड़ाई से उसे दूर रखना ही बेहतर है। जादूगर बोला, लेकिन हम देर कर रहे हैं, आखिर कब तक दुश्मनों को रोक सकते हैं, ये चीज हमारे बस में नहीं है, और अगर अभी हमने उसे नहीं सिखाया तो वो अपना जादू भूल जाएगी। रानी को गुस्सा आ गया, वो कहने लगी कि अभी तुम भी इतने काबिल जादूगर नहीं हो जो मैं जादू सिखाने के लिए उसे तुम्हारे पास ही भेजूं। अब ये बात जादूगर को इतनी बुरी लगी कि वो फौरन वहाँ से चला जाता है। अब मौजूदा वक्त में बोला जादूगर उन्हें अपनी बस्ती में लेकर आता है। सब लोगों को जब पता चला कि एलोरा जिंदा है, रबी इधर आई है, तो वो सारे लोग काफी खुश हो जाते हैं और काफी अच्छे से एलोरा से मिलते हैं। पर क्योंकि अभी उसे जादू करना नहीं आता, अब रानी ने इतने सालों से एलोरा की पहचान छुपाकर उसे अपने किचन में खाना बनाने के काम पर रखा, सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए। पर अब जब उन्हें पता चला कि वो भी प्रिंस को बचाने के लिए गई है, तो वो काफी परेशान हो गई। फौरन अपने बहादुर सिपाही को भेजती है ताकि वो एलोरा को पकड़कर वापस ला सके। और यहाँ हम साफ साफ देख पाते हैं कि ये बहादुर सिपाही मॉन्स्टर के हमले में जब से जख्मी हुआ है, इसके जिसमें तब्दीलियाँ आ रही है और हरकतें भी काफी अजीब हैं। सभी बोने एलोरा के आने की खुशी में जश्न मना रहे थे, जबकि एलोरा जादूगर से पूछती है, हम बिखरे समंदर के पार कब जाएंगे प्रिंस को ढूंढने के लिए। इस पर जादूगर कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इधर ही रहकर जादू सीखोगी। लेकिन गुस्से में वो कहती है, मैं ऐसे हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठ सकती, मुझे प्रिंस को बचाने जाना है, और फिर उठकर वहाँ से चली गई। जादूगर की बेटी अपने डैड को एलोरा की वो जादुई छड़ी देती है जो बचपन में उसके साथ मिली थी। तभी जादूगर को पता चला कि गुस्से में एलोरा कहीं चली गई है, इसीलिए वो सबको कहता है कि जल्दी करो, वक्त बर्बाद मत करो, उसे ढूंढो, क्योंकि वही सबको काली ताकतों और क्रोन से बचाएगी। कुछ ही देर में नदी के पास जादूगर को एलोरा मिल गई, वो उसे समझा रही थी कि तुम साथ जाने की जिद मत करो, तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है, तुम्हें जादू सीखने पर ध्यान देना चाहिए। इस पर एलोरा कहती है कि ठीक है, मैं जादू सीखूंगी, पर एक शर्त पर, आप भी हमारे साथ चलो, वहाँ मुझे जादू भी सिखा देना और हम प्रिंस को भी ढूंढ लेंगे। इस पर जादूगर मान गया, ये कहकर कि हाँ ये भी ठीक है, क्योंकि तुम मेरे बगैर प्रिंस को नहीं बचा सकती और मैं तुम्हारे बगैर क्रोन को नहीं रोक सकता। अब ये लोग यहाँ से निकलने लगे। जादूगर की बेटी उसे कहती है, डैड अपना ख्याल रखना, आप बहुत ही महान जादूगर है, मुझे आप पर बहुत भरोसा है। ये लोग निकल गए। रास्ते में कैदी किट को कहता है कि एलोरा के डैड भी जादूगर ही थे, जिनका एक जादुई कवर बहुत ही ताकतवर माना जाता है, जिसकी तलाश में मैंने अपने पूरे जिंदगी गुजार दी। एक जगह रोककर जादूगर एलोरा को बेच देता है और उन्हें जमीन में गाड़ कर अपने साथ साथ जादुई मंत्र पढ़ने का कहता है, जो काफी मुश्किल थी, ठीक से वो उन्हें बोल भी नहीं पा रही थी। जादूगर कहता है, तुम बार बार प्रैक्टिस करो, अगर तुम
अंतर याद करने में कामयाब रही और इस जगह से पौधा निकल आया तो समझ जाना कि तुमने जादू सीख लिया है। अब एलोरा को प्रैक्टिस करती करती शाम से सुबह हो जाती है, लेकिन पौधा उस जगह से नहीं निकलता। इसीलिए वो जादूगर से कहती है कि मुझे लगता है मैं एलोरा जादूगरनी नहीं हूँ। जो सुनकर उसे गुस्सा आ गया, वो कहने लगा कि तुम इतनी छोटी सी लाइन याद नहीं कर सकती, जबकि उस जादुई शहर में तुम्हें काफी बड़े बड़े मंत्र बोलने पड़ेंगे। इस डांट की वजह से एलोरा को भी गुस्सा आ गया, वो उठकर वहां से चली जाती है और अकेले ही एक जगह पर आकर प्रैक्टिस करने लगी। पर तभी यहां रानी का भेजा हुआ बहादुर सिपाही आकर उसे बेहोश कर देता है, उठाकर अपने साथ ले जाता है। उसके जाने के बाद देख पाते हैं कि उस जगह से बेरी फ्रूट का पौधा निकल आया है, जिसका मतलब एलोरा जादू सीख गई। इस सब से अनजान कैदी रिट को अपनी कहानी सुनाने लगा, जो कहानी उस जादुई कवर और उसकी चाबी की थी, जो सिर्फ उसी का है जो उसके काबिल है। पर रिट सुनकर कहती है, ये कहानी बहुत ही बोर है, तुम ऐसा करो मुझे मेरे डैड के बारे में बताओ, क्योंकि तुम तो उनकी दोस्त थी ना, काफी कुछ जानती होगी। उनकी बातों के दौरान ही जादूगर यहाँ आ गया और उनसे पूछता है एलोरा कहाँ है। काफी ढूंढने पर भी जब वो नहीं मिलती तो सब उसे तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। रिट की दोस्त ने देख लिया था कि वो बहादुर सिपाही एलोरा को बेहोश करके अपने साथ ले जा रहा है। वो पूछती है कि ये तुम क्या कर रही हो, जिस पर वो जवाब देता है ऐसा मुझे रानी ने करने को कहा, लेकिन वो समझ गई कि इसके इरादे ठीक नहीं। तभी इधर बाकी लोग भी आ गए, जिन्हें देखकर बहादुर सिपाही जो खुद भी काली तख्तों के कब्जे में आ गया था अपने सभी साथियों को अपने कंट्रोल में कर लेता है और उनके साथ किट और उसके ग्रुप पर हमला कर देता है। काफी देर तक दोनों ग्रुप्स के बीच तलवारबाजी चलती रही, एक दूसरे पर वो काफी भारी पड़ रही थी। लड़ाई के दौरान ही ग्रेडन एलोरा को आजाद कर लेता है, क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था। एलोरा को बचाने के लिए जादूगर को एक आईडिया आया, उसने फूरन बॉम्ब फेंका, लेकिन प्लान उल्टा पड़ गया, क्योंकि एलोरा बहादुर सिपाही और उसके साथी धमाके के साथी वहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद जादूगर और बाकी लोग आगे बढ़ते हैं एलोरा को बचाने के लिए। एक जगह पर आने के बाद काले बादल छाने लगे, जिसके ऊपर फूरन एक मैसेज लिखा आता है कि काली ताकतों वाले लोग एलोरा की आत्मा को कैद करना चाहते हैं। आगे बढ़ने पर इनके सामने दो रास्ते थे, पर इनको ये नहीं पता था कि वो बहादुर सिपाही एलोरा को लेकर किस रास्ते पर गया है, तो इसीलिए दो दो की टीम्स बनानी थी। सफर में किट कैदी से पूछती है कि तुम मेरे डैड के साथ रही हो तो उनके बारे में कुछ क्यों नहीं बताती, तो अब यहाँ वो बताने लगता है कि ना सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हारे डैड को भी उस जादुई कवर की तलाश थी, क्योंकि उसकी मदद से हम क्रोन को रोक सकते हैं, जालिम जादूगरनी और काली ताकतों को इस दुनिया में लाने से। थोड़ा आगे जाने पर इन्हें एक खंडर का दरवाजा दिखता है, जिसके अंदर जाने पर वहाँ एक कुआं था, जिसके अंदर बिना सोचे समझे कैदी कूद पड़ता है। वहाँ उसे जादुई कवर की चाबी मिल जाती है, मतलब कि उसकी एक तलाश तो आज पूरी हुई। जिसे लेकर वो फौरन बाहर आया, किट को लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। वो उसे पूछती भी है कि तुम्हें कुएं में कुछ मिला, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। बहादुर सिपाही एलोरा को पहाड़ के उस पार ले जाने वाला था, पर उससे पहले ही ग्रेडन और उसके साथी यहाँ पर आ जाती है। ग्रेडन उस सिपाही के सर पर पत्थर मारकर एलोरा से दूर रहने का कहता है, जिसके साथ उन लोगों के बीच तलवारबाजी की लड़ाई छिड़ जाती है। तभी एक दीवार को तोड़कर किट और कैदी भी यहाँ आ गई, वो भी सिपाही के साथ लड़ने लगते हैं। बहादुर सिपाही अपनी काली ताकतों वाली तलवार से ग्रेडन पर हमला करके उसे काफी जख्मी कर देता है। अब इससे पहले वो ग्रेडन को जान से मारता, बोला जादूगर अपनी जादुई छड़ी जोर से जमीन पर दे मारता है, जिससे बहादुर सिपाही और उसके साथियों के अंदर से सारी की सारी बुरी ताकतें निकल जाती है। पर बुरी ताकतों के निकलते ही बहादुर सिपाही तड़पने लगता है, लेकिन क्योंकि वो अपने होश में आ गया था, हालत उसकी काफी खराब थी, तो किट की दोस्त को कहता है कि अब से तुम्हें ही एलोरा का ख्याल रखना है, मेरा वक्त आ गया है और तुम मुझ पर एक एहसान कर दो, मुझे इस दर्द भरी जिंदगी से निकाल दो प्लीज। वो रोने लगी, क्योंकि ऐसा करना वो नहीं चाहती थी। वजह यही थी कि इस बहादुर सिपाही ने उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन उन्हें तकलीफ से भी तो निकालना ही था। दिल पर पत्थर रखकर वो तलवार उठाती है और एक एक झटके में वार करके उन्हें मार देती है, और अभी लोग अपने मरे हुए साथियों को यहीं दफन करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ग्रेडन कमजोर पड़कर यहीं गिर जाता है, क्योंकि हमले में वो काफी जख्मी हो गया था और बुरी ताकतें बहुत जल्द उसे भी अपने कंट्रोल में करने वाली थी। अब यहाँ जादूगर को काफी साल पहले गायब हुआ एक शहर दिख जाता है, जिसके महल के अंदर वो सारे लोग आ जाते हैं, और ये महल और किसी का नहीं बल्कि रानी की मॉम जालिम रानी का था, यानी किट की नानी का। बोना जादूगर अंदर आने के बाद ग्रेडन को बांध देता है, ताकि उसकी काली ताकतें किसी को नुकसान न पहुंचा दे। ग्रेडन कहने लगा कि मैं नहीं चाहता मैं आप में से किसी को भी नुकसान पहुंचाऊं, बेहतर होगा आप मुझे मार ही डालो। अब किट तो पहले ही उसे शादी करना नहीं चाहती थी, तो उसे मारने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन जादूगर मना कर देता है ये कहते हुए कि रुक जाओ। वो लाइब्रेरी में जाकर एक किताब लाता है, जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था कि काली ताकतों को कैसे निकालते हैं, पर इसके लिए कुछ सामान चाहिए था। जो सामान ढूंढने के लिए वो सबको पूरा महल चेक करने का कहता है, पर साथ में इस बात से भी मना करता है कि कोई भी महल की मीनार के पास मत जाना, और फिर काली ताकतों को निकालने के लिए अपने काम पर लग जाता है। जैसे ही वो ग्रेडन की शर्ट खोलता है, उसके जिस्म पर बहुत अजीब तरह के निशान थे जो बढ़ते ही जा रहे थे, जिनके बारे में जादूगर और ग्रेडन कोई भी नहीं जानता था।
जादूगर उसके निशान पर खोलता हुआ पानी डालता है और किताब पढ़ के जड़ी बूटियां बनाकर लगाता है, जिससे ग्रीडन दर्द में तड़पने लगा। अब तभी एलोरा को एक आवाज़ सुनाई दी गई, जिसका पीछा करते जब वो एक कमरे में आई तो उसे एक ख्याल आने लगता है जिसमें उसकी मोम बर रही थी, जिनको देखकर वो काफी दुखी हो गई। खैर, नॉर्मल होने के बाद जब वो अंदर आई तो ग्रीडन बिल्कुल ठीक हो गया था। सही सलामत देखकर वो बहुत खुश हो जाती। सब लोग महल के मीनार की तरफ गई है। जादूगर ने तुम्हें भी वहाँ बुलाया है, इतना कहकर उसे महल के मीनार पर ले जाता है, लेकिन वहाँ आते ही ग्रीडन शैतान में बदल जाता है। ये देखकर एलोरा जैसे वहाँ से भागने लगी तो जादूगर भी अंदर आ गया, जिसके ऊपर ग्रीडन ने काफी बड़ा पत्थर फेंक कर हमला कर दिया, लेकिन ठीक वक्त पर जादूगर जैसे ही साइड में होता है, बाल बल उसकी जान बच जाती है। ग्रीडन के अंदर की बुरी आत्मा एलोरा को बताती है कि जालिम रानी अपनी गलती की वजह से ही वो मारी गई, जो काम वो नहीं कर सकी आज मैं करूँगा। इतना कही थी वो एलोरा को अपने कब्जे में करके हवा में उठाकर काली दुनिया का रास्ता खोलने लगता है, जो मीनार के बिल्कुल ऊपर था। जादूगर दोबारा से अपनी छड़ी उठाकर ग्रीडन पर उसे हमला कर देता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। जाकर उसे यकीन दिलाती है कि तुम ही उसे बचा सकती हो, क्योंकि तुम ही सात दुनियाओं की जादूगरनी रानी हो, अगर उसे ना बचा सकी तो सारी जिंदगी दुख के साथ रहोगी। उसकी बात मानकर एलोरा ग्रीडन के पास आई और उसके मुंह से बुरी आत्मा और काली ताकतें अपने अंदर खींचने लगती है। उसकी इस कोशिश के साथ ही वो बिल्कुल ठीक हो गया, फौरन उठकर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर्स जिन्होंने किट के भाई प्रिंस को कैद किया हुआ था, इन्हें देख चुके थे, फौरन आकर झुंड में इन पर हमला कर देती है। लेकिन जादूगर यहाँ भी अपना जादू करके अपनी छोटी सी डिवाइस से आग लगाकर सभी मॉन्स्टर्स को मार देता है और ये सारे लोग बचकर एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर्स इतने चालाक थे कि यहाँ भी आ गए, जिनसे बचने के लिए ये लोग जंगल में भाग जाते हैं, जहाँ पर मॉन्स्टर नहीं आ सकते थे, और इन लोगों की एक बार फिर जान बच गई। एक जगह पर लाकर जादूगर दोबारा से एलोरा को जादू सिखाने लगा। तभी कबीले के लीडर पकड़कर अपने कबीले में ले जाते हैं। किट कबीले के लीडर के पास आकर कहती है कि मेरे भाई को क्रोन ने पकड़कर बंदी बनाया हुआ है, हमें उसे बचाना है, तो प्लीज हमें जाने दो। लेकिन उसकी ये बात सुनकर सारे कबीले के लोग हंसने लगे और सभी को पकड़कर अलग अलग जगह पर बंदी बना देते हैं। किट एलोरा के साथ थी और उसे कहती है, मुझे अपने दोस्त की फिक्र हो रही है, वो कहीं उसे मार ना दे, क्योंकि उसे सबसे अलग बंदी बनाया हुआ है। एलोरा उसे तसल्ली देती है कि कुछ नहीं होगा और छड़ी दिखाते हुए कहती है कि इसी मैंने जादूगर से चुरा लिया है, इसकी मदद से हम यहाँ से निकल सकते हैं। जादूगर को यहाँ पर एक छोटा सा घर नजर आता है, जिसमें छोटे छोटे लोग रह रहे थे, इतने छोटे कि उनका साइज बमुश्किल हाथ जितना था। जादूगर का छोटा सा दोस्त उसे एक नक्शा देता है, जिसकी मदद से वो यहाँ से भाग सकती थी। एलोरा छड़ी दिखाते हुए कहती है कि इसी मैंने जादूगर से चुरा लिया है, जिसकी मदद से वो जादू करने की प्रैक्टिस कर रही थी। वो जादू कर भी लेती है और किट के साथ जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करती है, तभी कबीले के लोग आकर उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। दोबारा से इन्हें पकड़ लिया जाता है। तभी इधर कबीले की लीडर भी आ गई, लेकिन पीछे से किट की दोस्त आकर उसे पकड़ लेती है और गर्दन पर चाकू रख देती है। किसी तरह लीडर खुद को आजाद करके किट की दोस्त से लड़ने लगती है, उसकी गर्दन पर एक निशान बना देख लेती है। रुककर फौरन उसे अपने टेंट में आने का कहती है। किट की दोस्त जब लीडर से मिलने गई तो वो बताती है कि देखो, जैसा निशान तुम्हारी गर्दन पर है, मुझ पर भी बिल्कुल वैसा ही है, और ये हमारे कबीले में तब लगाया जाता है जब बच्चा 100 दिन का होता था, जिसका मतलब है कि हम एक ही फैमिली से हैं और तुम मेरी बहन हो, जिसे बचपन में कुछ लोग उठा कर ले गए थे। तभी यह मॉन्स्टर्स आकर दोबारा हमला कर देते हैं, जिनका मुकाबला ये लोग काफी डट कर करते हैं और एक को तो कैदी मार भी देता है। इसके बाद हम प्रिंस को देखते हैं, जो एक सुनसान जगह पर खुद को पड़ा हुआ पाता है। वो निकलने का सोच रहा था, पर तभी उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई दी गई, जो और किसी की नहीं बल्कि क्रोन की थी। उधर बड़े क्रिएटर्स जिन्होंने किट और जादूगर को पकड़ लिया था, उन्हें अपने ठिकाने पर लाए। यहाँ एक और आदमी भी बंद था, जिसे बड़े क्रिएटर्स ने कैद किया था। वो इन्हें कहता है कि तुम यहाँ से कभी आजाद नहीं हो पाओगे, क्योंकि जब मुझे यहाँ लाया गया था, मुझे लगा था कि मैं आजाद हो जाऊंगा, पर देख लो इतने सालों के बाद मैं आज भी यही हूँ। यहाँ वो अपने बारे में बताता है कि मैं चोर का साथी हूँ इन्हीं किट के डैड का। उधर कैदी और बाकी लोग किट और जादूगर को ढूंढने के लिए एक जगह पर आ जाते हैं। बड़े क्रिएटर्स ने भी किट को तकलीफ देना शुरू कर दी थी, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि एलोरा कहाँ पर है। वो उसे कीड़े खिलाने की कोशिश कर रहे थे, साथ ही ये भी कह रहे थे कि क्रोन हमारी रानी है, वो बहुत अच्छी है, जैसा तुम उसे समझते हो वो बिल्कुल वैसी नहीं। और तभी इधर कैदी और बाकी लोग आ जाते हैं और बड़े क्रिएटर्स को पता चल जाता है कि बाकी लोग यहाँ आ गए हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए क्रिएटर्स चले गए। इस दौरान किट ने खुद को और अपने डैड के चोर साथी और जादूगर को भी छुड़ा लिया था। कैदी और बाकी लोग जब आगे बढ़ रहे थे तो अपने चेहरों पर मास्क पहन लेते हैं, ताकि क्रिएटर्स हमें पहचान न सके। क्रिएटर्स उन तक पहुंच तो गए थे, पर मास्क होने की वजह से पहचान नहीं पाते। कैदी एलोरा और किट की दोस्त को जैसे ही जगह पर लेकर
आया, यहाँ पर चोर भी किट और जादूगर को लेकर आ गया। सब एक दूसरे से मिलकर खुश थे और एक खुफिया दरवाजा खोलने का फैसला करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि शायद खजाना है। पर अंदर जाने से पहले इनसे दो पहेलियाँ पूछी जाती हैं, जिनका सही जवाब दिया तो ठीक है, ना सही दिया तो मौत। पर ये काफी सोच समझ कर सही जवाब देकर अंदर आ ही गए। सच में यहाँ बहुत सारा खजाना था और यहीं पर वो जादुई कवर भी था जिसे कैरी ले लेता है। किट को यहाँ अपने डैड की तलवार दिखी, वो काफी दुखी हुई। तलवार तो वो ले लेती है मगर इसी के साथ उसे अपने डैड की आवाज भी सुनाई देने लगी जिसका पीछा करके वो जाने ही वाली थी, पर एलोरा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। और अब जब ये यहाँ से जाने लगे, इनके सामने बड़ी क्रिएचर सजाती है, दोनों तरफ से जोरदार हमला हुआ, इसीलिए ये यहाँ से भागकर एक दूसरी जगह पर आ जाते हैं। इस जगह के नीचे बहुत सारा पानी था, ये लोग किट को बचाने की काफी कोशिश करते हैं। एलोरा भी अपनी छड़ी से जादू करती है पर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो रास्ता बंद हो गया था जहाँ से किट नीचे गिरी थी। उधर प्रिंस जिस इंसान जगह पर फंसा हुआ था पर घूमकर दोबारा से उसी जगह पर ही आ रहा था, वो थक हार कर बैठ गया कि तभी उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देने लगी। प्रिंस ने उसे बता ही दिया कि हमें यहाँ मॉन्स्टर्स उठाकर लाए हैं, मैंने यहाँ से निकलने की बहुत कोशिश की पर बार बार इसी जगह पर आता गया। एलोरा बार बार अपना जादू कर रही थी, फिर आखिरकार कामयाब हो ही रही थी। ये चलना शुरू कर देती है। काफी दूर आने के बाद इन झोपड़ी के अंदर गए जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी था जिनसे कह रहा था कि अगर तुम्हें समंदर के उस पार जाना है तो मैं तुम्हें अपनी कश्ती दे दूंगा जो बहुत बड़े समुद्री जानवर की मदद से चलती है, लेकिन हाँ इसके लिए मुझे पैसे चाहिए, जिसके लिए ये लोग मान भी गए। उधर प्रिंस की जब आँख खुली तो लड़की उसके सामने नहीं थी, ढूंढने पर वो उसी जगह पर खड़ी हुई मिली। कहती है कि हमें इस पीले रास्ते के उस पार जाना चाहिए, शायद यही सही रास्ता हो। लेकिन प्रिंस को अजीब लगा, वो सारे लोग अभी झोपड़ी में ही थे कि तभी यहाँ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। तब उनसे बचने के लिए ग्रेडन सबको लेता है और फौरन कश्ती में बैठकर यहाँ से निकल पड़ता है, जो कश्ती समुद्री जानवर चला रहा था। लेकिन मॉन्स्टर्स अभी भी इनका पीछा नहीं छोड़ते, ये लोग बहुत कोशिश करते हैं, उनसे लड़ते हैं, एलोरा तो जादू भी करती है पर कोई फायदा नहीं होता। तो अब ग्रेडन जैसे ही अपनी बांसुरी बजाता है हवा में ही मॉन्स्टर फट जाती है, जिसके बाद जैसे तैसे ये बाकी मॉन्स्टर से भी पीछे छुड़वा लेते हैं। ग्रेडन ने बांसुरी से जादू किया था, मतलब कि वो भी एक जादूगर था। ग्रेडन समुद्री जानवर को खाना खिला रहा था और यहाँ पर एलोरा भी जादू सीख रही थी। अलग अलग तरह की बहुत सारी जादू वो करती भी है। उधर वो लड़की प्रिंसी अजीब तरह की बातें कर रही थी, कहती है मैं तुमसे पहले यहाँ आई। प्रिंस को शक हुआ, वो पूछता है क्या तुम मुझे यहाँ लाई हो, जिस बात का वो कुछ जवाब नहीं देती और कहती है छोड़ो सब बस चुपचाप मेरे साथ चलो। प्रिंस को गड़बड़ लगी, फौरन वो वहाँ से भागने लगता है। अब जादूगर को लग रहा था कि उसकी बेटी खतरे में है तो वो जाने का फैसला करता है, पर एलोरा ये कहकर मना कर देती है कि नहीं अभी ही रहो, हमें आपकी जरूरत है। ऊपर से अभी लोगों को पैदल ही सफर करना था क्योंकि समुद्री जानवर बीमार हो गया था। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके सामने एक खाई आ जाती है जिससे वो लोग समझ गए कि हम रास्ता भटक गए हैं। किट और एलोरा नीचे खाई में कूद जाती है। काफी नीचे आने के बाद ये यहाँ से बाहर आकर आसपास देखने लगती है, वो शहर देख ही जाता है जहाँ पर प्रिंस है। प्रिंस लड़की की बातों में आ गया, कहता है तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगा, जो सुंदर वो उसे पीले रंग का जादुई पानी पिलाती है। प्रिंस एक जगह से बाहर आता है जिसके हाव भाव बिल्कुल बदले हुए थे और उसे ऐसे देखकर ये दोनों काफी डर जाती है। प्रिंस दरअसल उस लड़की के कब्जे में आ गया था वो पानी पीने की वजह से। प्रिंस आकर अपनी बहन और एलोरा से मिलता है। एलोरा पूछती है तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एलोरा हूँ, इस पर वो जवाब देता है मुझे क्रोन ने बताया, वो मुझे यही मिली, बहुत अच्छी है वो, जैसा उसके बारे में कहा जाता है वो बिल्कुल वैसी नहीं है, यानी कि वो लड़की जो इतनी देर से प्रिंस के साथ थी वो एक क्रोन है। ये सुनकर किट उसे समझाती है मेरे भाई अपनी आँखें खोलो, वो अच्छा बनने का नाटक कर रही है जिसके लिए वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है ताकि वो जालिम रानी को दोबारा से जिंदा कर सके। उधर वो सारे खाई के पास खड़े होकर सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए। प्रिंस किट और एलोरा को लेकर अंदर आ गया जहाँ क्रोन थी। प्रिंस का कहना था कि हमें क्रोन की मदद करनी चाहिए इसे यहाँ से आजाद करके, जिस पर किट और एलोरा मदद के लिए सोचने का टाइम लेती है और फिर पूछती है मगर हमें क्या करना होगा। इस पर क्रोन कहती है कि कुछ खास नहीं, बस इस पीली रोशनी के उस पार जाना है। बाहर वो तीनों भी आ गए थे, उन्हें भी शहर मिल गया था जिसके अंदर वो फौरन आ जाती है। किट और एलोरा भी क्रोन की बात मानकर पीली रोशनी के उस पार आ जाती। यहाँ पर किट की मम इन्हीं रानी उससे मिलती है और एलोरा को भी कहती है कि बेटा मुझे माफ करना, मैंने सारी चीजें तुमसे छुपाई, मैंने सब तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था। यहाँ पर प्रिंस भी था और प्रिंस की शादी होने वाली थी। यहाँ किट को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसे सब नकली लग रहा था। बाहर ग्रेडन किट की दोस्त और कैदी भी पहुँच गई थी पर वो दरवाजे को बंद पाते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। तूफान की लपेट में आकर ये एकदम जम जाते हैं। दूसरी दुनिया में एलोरा प्रिंस को बताती है कि मैंने बहुत सारे जादू सीख लिए हैं, जो सुनकर प्रिंस उसे पीने के लिए वही पीला पानी देता है ताकि इसे पीकर एलोरा भी उनमें से एक बन जाए, यानी क्रोन की साइड हो जाए। इसी
इसी बीच किट को अपने डैड दिखाई देते हैं जो कह रहे थे कि तुम्हें एलोरा को बचाना है क्योंकि तुम्हें उसकी हिफाजत करने वाली हो। ये सुनकर किट जल्दी से एलोरा को चेक करने गई पर वहाँ वो नहीं थी, सिर्फ क्रोन ही बैठी हुई थी जो किट को कहती है तुम भी मेरी बात मान जाओ ना, पी लो ये पानी क्योंकि ऐसे करने से मुझे तुम्हारे खानदान के 6 लोगों का खून मिल जाएगा। फिर प्रिंस और एलोरा की शादी होने ही लगी थी कि तभी बाहर बोना जादूगर आ जाता है और अपना जादू करके एलोरा को इस सपने से बाहर निकालता है जो वो इतनी देर से देख रही थी, जो सारी चीजें सच भी हो रही थी और उन सभी लोगों को दोबारा से जिंदा करता है जो पत्थर के बन गए थे। जिसके बाद क्रोन भी अपने असली रूप में आ जाती है जो बहुत ही भयानक दिख रही थी। उसे देख फौरन एलोरा उसे लड़ने लगी जबकि कैदी और बाकी लोग मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। और तभी इधर ग्रेडन भी आ जाता है जिसके हाथ में जादुई छड़ी थी, उससे वो क्रोन पर काफी भारी जादू करके मारने की कोशिश करता है पर वो इतनी ताकतवर थी कि आराम से इस जादू को सह जाती है, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ पाता। इससे लेकिन क्रोन को गुस्सा आ गया, वो अब अपना खतरनाक जादू ग्रेडन पर करती है और उसे उठाकर पीले रास्ते में धकेल देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इस बात से एलोरा समेत सब लोगों को बहुत ही दुख होता है। कैदी भी जादुई कवर उठाकर किट को देता है ये कहते हुए कि ये मुझ पर असर नहीं कर रहा, शायद मैं इसके काबिल नहीं, लो ये तुम पहन लो शायद तुम पर असर कर जाए। इसी बीच एलोरा अकेले ही क्रोन से लड़ रही थी, काफी खतरनाक लड़ाई चल रही होती है जबकि जादूगर भी अपनी तरफ आने वाले पत्थरों के इंसानों से लड़ रहा था जो सारे के सारे क्रोन के सिपाही थे। एलोरा क्रोन के आगे टिक नहीं पाती तो अपनी जान बचाने के लिए एक जगह पर आकर छुप जाती है। इसी बीच जादूगर अपने जादू से एलोरा से बात करता है कि तुम बहुत बहादुर हो, सबको बचाने वाली, तुम्हें डरना नहीं है क्रोन से लड़ना है, अपने अंदर से डर निकाल दो क्योंकि जब भी तुम उसका ठीक से सामना कर पाओगी। ये बातें एलोरा पर असर कर जाती है और अब वो अपने दिल से डर निकाल कर क्रोन से लड़ती है। वो फिर अपनी सारी ताकतों का इस्तेमाल करती खतरनाक जादू से क्रोन पर हमला करती है। इससे क्रोन के सीने में छेद हो गया और उसका दिल जलकर राख बन जाता है। उसके दिल के खत्म होते ही क्रोन का भी आखिरकार यहाँ खात्मा हो जाता है। पर मरते मरते कुछ देर के लिए वो अपने जवानी वाले रूप में आई। भागकर प्रिंस उसके पास जाता है तब क्रोन उसे कहती है कि अब जालिम रानी की जंग को तुम्हें ही लड़ना है और अब से इस शहर पर तुम राज करोगे। जिसके फौरन ही बाद प्रिंस का भाई भी बदलकर शैतान बन गया क्योंकि अब उसके अंदर भी काली ताकतों के साथ साथ क्रोन की ताकतें आ गई थी। किट भी जादुई कवर पहनकर जैसे उसमें चाबी लगाती है तो कवर एक्टिवेट हो जाता है, मतलब काम करने लग जाता है और वो फैलकर अब कवर से पूरा सूट बन जाता है। जिसके बाद किट के अंदर भी अनोखी ताकतें आ गई, वो तलवार लेती है और अपने शैतान भाई से लड़ती है। काफी देर तक जबरदस्त किस्म की लड़ाई इनके बीच चली पर क्योंकि किट अपने भाई को मारना नहीं चाहती तो ये कह देती है कि तुम्हें इन काली ताकतों से बाहर आना होगा, लेकिन वो क्योंकि अपने होश में नहीं था तो उसकी बात नहीं मानता बल्कि लड़ता ही जा रहा था। किट भी उसका सामना करने लगी, उसे नीचे गिरा देती है और बस उसे मारने ही वाली थी कि तभी यहाँ जादूगर आ जाता है और उसे अपनी छड़ी की ताकतें देते हुए कहता है कि तुम्हारा भाई अंधेरों में है, इन ताकतों की मदद से वो रोशनी में आ जाएगा। और अब किट उन ताकतों की मदद से अपने भाई को ठीक करने में लग गई, जिससे अब प्रिंस को भी अपने बचपन से लेकर अब तक का टाइम याद आने लगा कि मैंने अपनी फैमिली और बहन किट के साथ कितना अच्छा वक्त गुजारा। उसकी यादों के साथ ही प्रिंस काली ताकतों से बाहर आ गया और उसका चेहरा जो बुरी आत्मा की वजह से बदसूरत हो गया था वो भी ठीक होने लगा। अपने भाई को दोबारा से ठीक होता देखकर किट बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हम ग्रेडन को एक जगह पर पड़ा हुआ देखते हैं जिसके आसपास लाशें ही लाशें थी, इसका मतलब था कि वो मरा नहीं बल्कि जिंदा था। दरअसल क्रोन ने जब उसे पीले रास्ते में फेंका तो वो दूसरी दुनिया में यहाँ आ गया, जो आंखें खोलते ही अपने सामने एलोरा को पाता है। वो इसे बताती है कि इस दुनिया में मैं अकेली राज नहीं कर सकती, मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। जिसके बाद हम यहाँ बहुत बड़ी मॉन्स्टर्स की आर्मी को देखते हैं। अब यहाँ ये खुलासा होता है कि ये एलोरा नहीं बल्कि उसके रूप में जालिम जादूगरनी थी और उसने एलोरा का रूप इसलिए लिया ताकि ग्रेडन को अपनी बातों में लगा सके। उसने ग्रेडन को ऐसा इसलिए कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत होगी क्योंकि अब वो जिंदा होने और दुनिया पर राज करने के लिए ग्रेडन को इस्तेमाल करने वाली थी, उसे गलत काम करवाएगी जैसे उसने क्रोन से करवाई। और इसी के साथ ये सीजन इधर ही खत्म हो जाता।